बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 12, यासिर नदीम, हैदराबाद, मेरे शहर से। ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड मैथमेटिक्स मैट्रिक की लॉगरिदम यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे थे और उसका पार्ट 5 और इंशाल्लाह ये फाइनल पार्ट भी होगा इसका, ये लेक्चर 3 का। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है भाई? इन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल रहे। तो 22 तक हम क्वेश्चंस कर चुके, 23 पे चलते हैं। 23 पे वो क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसका सवाल है। और इसमें दे रहा है 23 पे क्या दे रहा है? लॉग 8 128। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसने बस यही बोला है, आगे तो कुछ बोला ही नहीं। किसकी वैल्यू भाई? इसकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू तो फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें भी हम, अंडरस्टूड है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि बेस तो है, वो नंबर भी है जिसका लॉग फाइंड आउट करना है, पावर कहाँ है वो तो पता ही नहीं। वही तो लॉग कहलाती है, पावर ही तो लॉग कहलाती है भाई। ये तो वो नंबर है जिसका लॉग फाइंड, लॉग मीन्स पावर, इस नंबर की पावर, ठीक है? तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलें। लॉग हटाएंगे, 128 अपनी जगह पर ही, 8 जो बेस नजर आ रहा है ये बड़ा होकर यहां आ जाएगा, एक्स इसके ऊपर आ जाएगा। अब क्या करना है, 128 यहां पर लिखा हुआ है, 8 वहां पर चला गया एक्स इसके साथ। 128 का एलसीएम लेके देखें, क्योंकि एक ही बात समझ में आती है जब हम देखते हैं ना, हमें हमारा जो टारगेट है वो अगर पावर की शक्ल में है तो उसका हल यही है कि नीचे हम बेसिस को सेम कर लें। तो उसका यही हल होता है कि आप उसके लिए एलसीएम ले लीजिए। 128 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, कितने 2 आ गए यहाँ पर? ये 3, ये 3, ये 7, तो 2 के ऊपर 7 पावर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 के ऊपर 7 पावर लगा देते हैं। अब यहाँ पर 8 को 2 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है भाई। ये लीजिए, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 2 आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको यूं लिख सकते हैं, लिख लीजिए सर, ये 2 के ऊपर 3, लेकिन 8 के ऊपर तो ऑलरेडी x की पावर है तो ब्रैकेट लग जाएगा। बेसिस सेम हो गई, इक्वेट कर सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिस गायब और ये 7 नीचे आ गया और यहां पर 3 और एक्स आ गया। 3 एक्स के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो जवाब बनेगा वो बनेगा 7/3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7/3, ठीक हो गया भाई? चेक कर लीजिएगा ज़रा आप अपने पास, मिटा दूँ वो पोर्शन रफ वर्क के लिए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, लॉग 27 इज इक्वल टू 1/81। क्या करेंगे इसके अंदर, सॉरी इक्वल का साइन मैंने लगा दिया, लॉग 27। अब यहां पर इसके साथ एक्स लगाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, ये फाइंड आउट करना है एक्स। सोल्यूशन, लॉग हटाएंगे तो 1/81 इज इक्वल टू 27 बड़ा होके यहाँ आ जाएगा, पावर जो है वो एक्स ऊपर आ गई। वही 84 को अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, 81 का सॉरी, तो 3 से जा रहा है, 3 2 6, 2 इसके साथ आया, 3 7 21, 3 9 27,
थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन ज़ा थ्री, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं थ्री थ्री थ्री, इसका मतलब थ्री के ऊपर पावर फोर, ठीक है। तो इसकी जगह पर वन अपॉन थ्री के ऊपर पावर फोर मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 27, 27 का एलसीएम लूँ, ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है भाई, थ्री के ऊपर थ्री की पावर लग जाएगी। अब क्या करना है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये बेस और ये बेस कुछ सेम नज़र आ रहे हैं। इसको अगर मैं थोड़ा और आगे लेके चलूं तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स, लेकिन माइनस में होगा ना, यही तो प्रॉब्लम है। थ्री एक्स प्लस का होगा तो नीचे आके थ्री एक्स जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, खैर प्रॉब्लम तो होती रहती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आप इस थ्री को यहाँ ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थ्री आ जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री एक्स बराबर, ये थ्री के ऊपर पावर फोर वहां चला जाएगा तो ये थ्री के ऊपर पावर फोर, बेसिस सेम है। अब मैं लिख सकता हूं ऑन इक्वेटिंग, बिल्कुल लिख सकते हैं सर ऑन इक्वेटिंग, तो माइनस थ्री एक्स बराबर हो जाएगा फोर के, माइनस थ्री को वहां लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा फोर अपॉन थ्री माइनस का, और यही आपका आंसर है। ज़रा चल टैली कर लीजिएगा, ठीक हो गया। 24 लास्ट क्वेश्चन करके इख्तिताम करते हैं, 3.2 एक्सरसाइज का मिटा दूं, मिटा दीजिए सर। ट्वेंटी फाइव में कह रहा है लॉग 343, ये तो बेस आ गया, 49 ये वो नंबर आ गया जिसका लॉग फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे इसके साथ, फिर एक्स तो लगाना पड़ेगा, लॉग हटाएंगे 49 अपनी जगह पर ही रहेगा, 343 यहाँ बड़ा होके आ जाएगा और इसके ऊपर पावर ये एक्स छोटी सी बन के आ जाएगी। अब वही इस एक्स को फाइंड आउट करना है, इक्वेट करें, 7 7 49 होता है, आप चाहें तो चेक कर लें यहाँ पर 49 चेक कर लीजिएगा, 7 7 49 7 7 49, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 7 के ऊपर स्क्वायर, तो ये 7 के ऊपर स्क्वायर आ सकता है। 343 को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, 343 ये भी 7 से जाएगा, कैसे, 7 4 28 होता है, 6 बचेगा 34 में से, उसके साथ चला जाएगा 63 हो जाएगा, 7 9 63, फिर 7 7 9 7 1 7, 3 7 आ गए तो 7 के ऊपर पावर 3 आ सकती है, ये हो जाएगा 7 के ऊपर पावर 3, ऊपर x लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर और 7 3x ऑन इक्वेटिंग, अब इक्वेट कर सकते हैं आराम से, ऑन इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3x और 2 3 के नीचे आ जाएगा और इस तरह आपको x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो ये रही आपकी बुक भाई, 25 क्वेश्चन तक आज हम इसको निपटा चुके हैं, लेकिन 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 जाने से पहले फिर दोबारा एक्सरसाइज इंशाल्लाह 3.3 शुरू करेंगे हम, लेकिन जाने से पहले फिर दोबारा रिमाइंड करा दूँ, करना क्या है, खुद से सॉल्व करना है,
खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं। जहाँ फंस जाएं कोशिश के बावजूद जवाब ना निकल रहा हो तो वीडियो चला लें, सोल्यूशंस तो पढ़ें। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।